सत्कार करना प्यार करना बनता है क्योंकि पातशाह बाजा मारना सारे भावे जेड़ा भी इतने गुरु के घर में चले जाए ता ही चार दरवाजे रखे जाते हैं अज जो कोई सच बोलता है ना सच कौड़ा होता थोड़ा आपे तो बहर हो जाता जो बंद सच बोलता आप अपने चार जने रल के कोई ना कोई हल कट लेते लग रही है इस तरह करिए रोस जताया कि जिहड़ियां बच्चियां सी जिवें मर्जी जिन्हे भी इत्थे भेजियां अजे सानू मतलब इन्होंने कहा कि दसांगे उह बंदा पर बच्चों का कसूर कोई नहीं साडे बच्चे कितने गए होने जिथे मर्जी कही बच्चों नूं ते पता ही नहीं है बच्चे साझे जी कौम है ना तुसी लोकां दीआं पत्तां पचाउण वाले जी लोकां दीआं धक्कां छकाउण वाले जी चुप के चरवाणे लै जांदे सी अपने हरबां दे विच ते हुण तों गुरू का खालसा छकाउंदा रिहा है कोई भी गल जे अज दा हुक्मनामा आपां सजी मुजी अर्थां सहित पढ़ लिया ते शायद आपां किसे नूं कुछ कहांगे नहीं उन्नी की गल नहीं करांगे क्योंकि गुरु के पाणी रहने का सानू ढंग आ जाएगा इसे तरह सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साडे ते कृपा करन सो वो पांच मैंबरी कमेटी नूं मिलदी है कि भाई तो अगे आउण ते सारी कमेटी का जिथे मैं प्रभाव करना उथे जिन्हां ने अस्तीफा दिता क्योंकि ये बड़ी वड्डी गल आ गुरु का हुक्म मनना अकाल तख्त साहब का हुक्म मनना इन्हां दा प्रभाव इन्हां ने अपने समय दौरान जिहड़े कार्य कीते आ उह श्लाघाजोग ने अकाल तख्त साहिब तों पंज सिंघ साहिबान इन्हां दा फैसला करनगे ते नाल नाल निरंतर साहिब फिर बेनती है कि सहयोग सारिआं ने करना है कोई इह ना आखिओ कि मैं नहीं दूजा नहीं तीजा नहीं सारी संगत इक दे सुझाअ बाहर लाओ एक पंज कार चार बजट कहता बाहर लिख के लाओ ते होर भी जिहड़ा वा उह होर बंदा साहिब जे कोई साडे कोल आउंदा उहनूं हिंदी दे विच अपना लिटरेचर दिओ उहनूं इंग्लिश दे विच अपना लिटरेचर दिओ तां कि तुहाडे इतिहास नूं जाणू हो सके ते साडे नाल प्यार सारे करदे ने तुहाडा इतिहास इहो जिहा भावें किसे चीने नूं दसदे हो किसे गोरे नूं दसदे हो किसे नूं गुरू दसदे हो मुसलमान नूं ईसाई नूं उह सिख बनण वास्ते तैयार हो जांदा है पर असीं आपस विच इक दूजे नाल मिल बैठ के जिहड़ा है जदों गुरु दी बख्शिश दे पात्र बणांगे गुरु की बाणी सुनांगे ते साडे विच वी प्यार उभरेगा इस करके भाई सिक्खी का प्रचार करना है वध तों वध ते आपसी निघियां निघियां गल्लां छड के ते गुरु कोलों इहो ही आपां अरदास बेनती करिए कि महाराज साडे ते सिर ते हथ रखियो मन रही कौन कमत तै लीनी पर तारा निंदिया रस रखियो राम भगत लै कीनी गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कहिंदे कि मन नूं संबोधन करिए तू केड़ी खोटी मत धारण कर ली है तू पराया रूप पराई विद्या दे विच अपने आप नूं गलतान करी बैठा आ गुरु नूं समर्पित हो आपां सारे नूं पता है धन दौलत अपने नाल नहीं जाणी वड्डे वड्डे राजा यार घूमण तां कि कृष्ण ना बूझी कृष्णा दी जे मुकदी राजा कहिंदा मेरे को होर दिशा दा राज आ जावे ते इत्थे गुरु कोल आण के इह रसना तू अन रस राख रही तेरी प्यास ना जाए होर होर रसा कसा दे विच इह रसना जिहड़ी लगी आ इह गुरु दी बाणी दे नाल जिहड़ी जुड़ीए सो अगला प्रोग्राम तुहानूं भाई सरबजीत सिंह दसदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
साध संगत जी, सो साध संगत बाकी जी अगली कार्रवाई है वो तुहाडे नाल वादा है कि बहुत जल्दी, क्योंकि सिख साहब का पूरा इधर ध्यान है, वो जल्दी सारा जिहड़ा मसला बाकी भी जिहड़ा हल होगा। स्टैप बाई स्टैप तुसीं सहयोग लई जाओ, गुरु साहब नाम विच वर्त के सारे कार्य करा रहे। सो हुण सूखम अरदास होगी, अरदास तो उपरंत फिर आप महाराज को सारी छुट्टियां लवेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।